हर संत के अनुयायी जो किसी जात में पैदा हुआ है, इसलिए उसके अनुयायी अपने जात वाले गुरु को ही अपना गुरु मानते हैं। तो इस तरह से हर गुरु या हर संत एक जात का गुरु हो गया, एक जात का संत हो गया, और केवल उसकी जात के लोग ही उसको मानते पूजते हैं। तो वो संत भी जातवादी एक तरह से गिना जाने लगा। हालांकि वो जातवादी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने जो लेख लिखा था, जो किताबें लिखी, इनकी जीवनी लिखी, उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लोग जात के थे और एक जात के संत। और मैं इसका खंडन कर रहा हूँ कि नहीं लिखना चाहिए, और कहीं लिखा है तो इसको निकाल देना चाहिए किताबों से, और नहीं निकाल सकते तो हमें उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। और संत एक वो नहीं है, सैकड़ों संत। हमारी जानकारी में पिया गौतम ने 32 संतों का नाम दिया बताया, और राजेश चंद्रा जी ने ये बताया कि सैकड़ों संत हैं, वो लिस्ट जुटा रहे हैं, जुटा के हमको देंगे। तो अभी जो है फिलहाल 32 ही को हम मान लेते हैं, और 32 अलग अलग जात के लोग, और सबके उसमें जात लिखी हुई है। तो इन जात में जब तक रहेंगे इंसान, तो वो भी जात में रहेंगे और उनके अनुयायी भी जात में रहेंगे, मतलब जात कभी खत्म नहीं हो सकती। तो खत्म करने का सबसे आसान रास्ता है कि हम इन संतों को जात के कीचड़ से बाहर निकालें। कीचड़ से बाहर निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ज्योति बुद्ध ने जात पात का खंडन किया, समता स्वतंत्रता बनता और न्याय के लिए संघर्ष किया, उसकी स्थापना करा, और यही काम ये सारे के सारे संत भी करते रहे। इसलिए बेहिचक सर्वसम्मति से हम लोगों को इन्हें बोधिसत्व मान लेना चाहिए, क्योंकि बोधिसत्व कोई अजूबा चीज नहीं है। बोधिसत्व का मतलब है बोधि माने ज्ञान, सत्व माने प्राणी। जिस प्राणी को सही स्थिति का ज्ञान हो जाए, सही बीमारी का ज्ञान हो जाए, सही निराकरण मिल जाए, तो बोधिसत्व है। तो इन्होंने जैसा बुद्ध ने कहा कि जात व्यवस्था सबसे खराब थी और सारे दुखों की जननी यही है, इन्होंने भी इसको माना, उनको भी ज्ञान हुआ, और उन्होंने इसके लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। इसलिए आज के बाद आज की सभा बिहार लखनऊ में हुई है, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करेगी कि आज के बाद हम लोग सारे संत को उसके नाम से पहले बोधिसत्व लगाएंगे और उसको बोधिसत्व ही मानेंगे। इसके बावजूद भी जात नहीं जा रही है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जात कभी खत्म नहीं हो, उनकी बात से कुछ हद तक सत्य है। उनकी जात व्यवस्था ऐसी चीज है कि कुछ लोगों को ये बहुत फायदा पहुंचाती है और कुछ लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जैसे ब्राह्मण हैं, जात व्यवस्था की वजह से ही पूजनीय, उनके पैरों की पूजा होती है, सभी लोग उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पाय लागू करते हैं, और इसी जात व्यवस्था की वजह से कुछ जातियाँ जो नीच जात गिनी जाती हैं, चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, बंगी हैं, इनसे लोग घृणा करते हैं। ये जो तरफा काम करती है, एक तरफ बहुत लाभ पहुंचाती है ऊंची जातियों को, और नीची जातियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो जब ऊंची जातियों को लाभ पहुंचाती है, तो वो तो इस जात व्यवस्था को कभी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जिनको नुकसान है, जो नीची जातियाँ हैं, उन्हें इसको खत्म कर देना चाहिए। और जात जब खत्म कर देंगे ये और एक धर्म बना लेंगे, तो हमारा धर्म जो है, धार्मिक व्यक्ति जो है, वो वोटर के रूप में परिणित हो जाएंगे, और वोट के बल पर शासन कायम करके पूरी जात व्यवस्था को एक कानून के जरिए खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बोध शब्द घोषित करना है, जात व्यवस्था छोड़ना है, और संतों को जात से नहीं जोड़ना, संत संत ही है, यही कहना है। हर योनि में, हर जयंती में जो भी वक्ता है या जो भी लेखक है, ऐसा ही लिखते हैं।